स्वामी जी, एक बहुत अहम चीज हमारे सबके शरीर में होती है, वो होती है हमारी स्माइल। स्माइल को लेके लोग काफी कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि वो अपने दांतों को लेके कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि उनको दांतों के पीलेपन से कई बार हेजिटेशन होती है, इनसिक्योरिटी फील होती है। कई को हम देखते हैं कि उनकी जो स्माइल होती है, उनके दांत मोती जैसे चमक रहे होते हैं। तो क्या किया जाए कि दांतों का पीलापन दूर हो जाए? सबसे पहले तो आप मेरे दांत देखें, कैसे हैं? सफेद हैं जी। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पहले मैं अपने ऊपर बता रहा हूँ, फिर आपके लिए बता रहा हूँ। आप कुछ नहीं, आपके घर में पड़ी हुई चीज से आपको बताऊंगा और आपके दांत मोतियों जैसे ना चमके और खिल ना उठे तो बात करना। तो आपने क्या करना है, मीठा सोडा आपके घर में होगा जी, थोड़ा सा मीठा सोडा लें, जैसे आधा चम्मच के बराबर या चौथाई चम्मच के बराबर, उसमें 2-4-5 बूंदे नींबू की निचोड़ दें। हल्का सा पेस्ट बन गया। अब अपने ब्रश पे इसको लें और दांतों को अंदर से बाहर से रगड़ना शुरू करें। उसको रगड़ने के बाद जब आपको लगे कि जैसे पेस्ट की तरह कर लिया, 2 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने दें। उसके बाद कुल्ला करें और उसको साफ कर दें। हफ्ते में एक बार करना शुरू कर दें, दांत मोतियों जैसे ऐसे खिल खिला उठेंगे, दांत भी हंसेंगे। आप तो हंसोगे, दांत भी हंसेंगे, दांत भी कहेंगे कि क्या क्या बात है, इतना मेरे को कैसे असर आ गया कि मोतियों जैसे चमक रहे हैं और बिल्कुल पीलापन, ये कचरा मैल सब बाहर हो जाएगी, खिल खिला उठेंगे दांत। दूसरा, इसको करने से एक फायदा आपको और होगा, वो ये होगा कि लोग कहते हैं हमारे दांतों में कीड़ा लग गया जी। कीड़ा क्या होता है? कीड़ा कोई, लोगों को आपने सुना होगा कीड़ा 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 लगा, तो हम सोचते हैं कोई कीड़ा कोई ऐसा जाके बैठ गया, जाके वहां कीड़ा है जो वहां पर बैठ के कुछ काम कर रहा है, जिंदा कीड़ा बैठा है। वो कीड़ा नहीं है, कायदे से वो कैविटी है जी। होता क्या है कि दांतों पे मैल लगातार जमा रहने की वजह से या मीठा खाने की वजह से, मीठा चिपक कर वो धीरे 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 जो दांत है उसको कुरेद कुरेद के उसमें एक खुड्डा बना देते हैं, एक जैसे गड्ढा बना देते हैं, और वो काले रंग का पड़ जाता है या निशान सा पड़ जाता है। तो वो दूर से, अगर मान लो हम देहाती भाषा में या देसी भाषा में कहें, तो दूर से वैसा लगता है जैसे कोई कीड़ा सा बैठा हुआ वहां पे। तो इसलिए कहते हैं दांत में कीड़ा लग गया। तो इससे अगर आप लगातार हफ्ते में एक बार करते रहेंगे तो आपको कभी कीड़ा भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपके दांतों की क्लीनिंग पूरी राइट हो गई, उसका इनेमल खराब नहीं होगा और क्लीनिंग राइट हो जाएगी, और आपका माउथ वॉश बिल्कुल राइट होगा। और इससे अच्छा मुखवास कोई है नहीं, इससे अच्छा कोई माउथ वॉश है नहीं। ये पूरे मुंह में से जितनी भी गंदगी है उसको खींच कर बाहर कर, आपकी जीभ के ऊपर जो मैल जमी हुई है उसको भी निकाल कर बाहर फेंक देगा, और आप परमानेंट ठीक होंगे। दांत ऐसे मोतियों जैसे खिलखिला जाएंगे कि आप मुझे याद करोगे।